फिरोजाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 25 में मुनेंद्र यादव ने खुद को बंधक बनाने का लगाया आरोप। पार्षद का आरोप, नगर निगम की अनियमितता को देखते हुए उन्होंने अपनी आवाज उठाई, जिसको लेकर उन्हें बंधक बनाया गया। वहीं दूसरा पक्ष ने इस बात को सरे से नकारा। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आपका, मेरा नाम मुनेंद्र यादव है और मैं वार्ड नंबर 25 धुरपा के पास हूँ। क्या बात हुई थी नगर निगम में, क्या हुआ था? निगम का तो हाल सबको पता ही है, आए दिन कोई ना कोई बात होती रहती है। निगम की ईट ईट भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भी कोई पार्षद हक बात कहता है तो उसको दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे बनाए जाते हैं। ये आरटीई नगर जलकल में कर्मचारी हेल्प फिल्डर की पोस्ट पे, आज तक ये किसी भी बाढ़ में कहीं पे भी काम करने नहीं गई है। इस बात का सबूत ये कोई भी पार्षद से आप पूछ सकते हैं, या कभी आपने कभी देखा हो काम करते हुए तो आप भी जान सकते हैं। 19 सालों का रिकॉर्ड है, कभी इन्होंने काम नहीं किया है। घर बैठे या आई साइन किए सैलरी लेती हैं, कभी इनके पति साइन करते हैं। हमने ये मुद्दा एक साल पूर्व महापौर जी के साथ में उठाया था। महापौर जी ने ये मुद्दा उठाया था कि भाई जो आरती जो कर्मचारी हैं उनको कंट्रोल में बैठाया जाए, लेकिन इनकी इतने पहुंच है सत्ता में कि ये फिर ये काम करने आए ही नहीं। बाद में इन्हें स्टैंडर्ड अपनी कर ली होगी, फिर ये आके फिर अपने यहीं पे जलकर ऑफिस में अपना इन्हें काम करती थोड़ा बहुत अपना आके साइन किए चली जाती है। कुछ कर्मचारियों हमसे कहा कि भैया पार्षद जी ये बताइए, हम इतना काम करते हैं, सैलरी उतनी हमें मिलती है, फ्री में सुनते हैं, और एक कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं और बकायदा पूरी तनख्वाह लेते हैं। तो हमने ये बात रखी, जो हमारे जीएम साहब उनके समझ बात रखी, हमने एक्सएन साहब हैं तारकिशोर पांडे जी उनसे बात रखी। तो आज उसी क्रम में मैं फिर आया था एक्सएन साहब के पास, तो मुझे पानी की समस्या थी जाडो पसी थी ढोलपुरा में, तो उससे बात हुई। तो फिर मैंने पूछा ये सब लोग शिकायत करते कर्मचारी जो आरती जी जो कर्मचारी हैं वो काम पे नहीं आती हैं, तो आज भी ये 2:30 बजे नहीं थी। तो फिर आज रजिस्ट्रेशन आप देखिए, फिर उनने बाद में अपसेंट लगाई है, कट्टा किया है। इस बात को मैं बार बार ना उठाऊं, मुझे डराने के लिए ये कर्मचारियों के साथ निगम में आए और कहे कि मैं अभी इसको बताता हूं और बाहर से गेट लगाने लगी, जिसका मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है। मैंने इनसे एक शब्द नहीं कहा, मैंने कहा भैया ये बताइए क्या इस तरह से हेल्थ समस्या का हो जाएगा? मैं अगर पार्षद हूँ, ये मेरा अधिकार है, कहीं निगम में कहीं कमी हो रही है। तो शिकायत करने पर आपको बंधक बना लिया था? हाँ, बंद कर दिया, कर्मचारी ले आए और ये करने के लिए कि मेरे साथ मारपीट करने की। हालांकि मेरे साथ मारपीट कुछ नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने पूरा दबाव बनाने का ऐसा पूरा माहौल रचाया जिससे मैं बहुत डर जाऊँ। लेकिन मैं बता दूँ इस निगम के हर कर्मचारी को कि अगर कोई कर्मचारी सही है तो मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला, ना कहूँगा मेरा मतलब क्या है। अगर कोई कर्मचारी गलत है तो मैं उसकी शिकायत अधिकारियों से करूंगा और करता रहूंगा, चाहे इसके लिए ये कैसा भी दबाव बनाए, मेरी आवाज़ दबने वाली नहीं है। जो इन्हें लगे, हाँ अगर मेरे साथ कोई घटना होती है अप्रिय, तो उसका जिम्मेदार चकोड़ी लाल और उनकी पत्नी होगी।